जी सर। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज और मास चला गया, राइट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में बाहर क्या है, इसके बाहर क्या है? तो उनने बोला इसके बाहर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो, अब वो दो चीजों का आंसर, आशु योर डाउट कि सेंटर पे क्यों है और तुम्हारा डाउट कि ये खींचता क्यों नहीं है। तो लोगों ने पूछा कि अगर इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में है, अगर इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में है और न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको खींच क्यों नहीं लेता, ये न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाता? व्हाई डज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल्स इन फॉल्स इन न्यूक्लियस? तो इसका एक्सप्लेनेशन उसने प्लेनेटरी मॉडल से लिया, इसका एक्सप्लेनेशन उसने प्लेनेटरी मॉडल से लिया। अच्छा हाँ उस सर, टाइम में वो लोगों को, ऑर्बिट से रहते हैं। हाँ समझ में आ गया। हाँ उस टाइम में लोगों को पता चल गया था कि ये सन है तो एंड मतलब ये सर, प्लैनेट है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हर टाइम मूव करते रहता है। हाँ इलेक्ट्रॉन कभी रेस्ट पे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसी चैप्टर में बहुत सारी थ्योरीज पढ़ने मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। तो जैसे ये एक प्लैनेट है, ये प्लैनेट ड्यू टू इनर्शिया वांट्स टू मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ, राइट। वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाना चाहता है, ठीक, ओके। बट सन उसको पुल कर देता है तो मुड़ जाता है वो, फिर ये ऐसा जाना चाहता है फिर मुड़ जाता है, फिर ये ऐसा जाना चाहता है फिर मुड़ जाता है, फिर ये स्ट्रेट जाना चाहता है वापस टर्न हो जाता है। तो अल्टीमेटली इट कीप्स ऑन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कौन? प्लैनेट। तो एग्जैक्टली ऐसे ही सन की जगह हो गया प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज था, ये न्यूक्लियर चार्ज यहां हो गया, एंड इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक्टिंग बिटवीन पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट अलाउज इलेक्ट्रॉन टू एस्केप एंड इट इज जस्ट इनफ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट होने के लिए बहुत ज्यादा मास होना चाहिए। जो फॉर्मूला है ना 6.67 × 10⁻¹¹ अच्छा ये इतना छोटा कर देता है उसको कि अब मास इलेक्ट्रॉन का कितना, 10⁻³¹, प्रोटॉन का कितना, 10⁻²⁷, और ये अलग से 10⁻¹¹, कहाँ जाएगा, क्या बचेगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होता है उनके बीच में। जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है सिग्निफिकेंट। और अब तुम बोला कि सन और अर्थ के केस में इलेक्ट्रिक फोर्स, अरे अब चार्जेस वहां पर नहीं है, सन बहुत मतलब अर्थ इज नेगेटिवली चार्ज बट बहुत नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल पुल। जो मास उनके है ना, मासेस इतने ज्यादा है और चार्ज इतना कम है कि ना के बराबर है। तो इसमें सन और अर्थ के केस में इलेक्ट्रिक फोर्स नेग्लिजिबल है और यहाँ पर ग्रेविटेशन। सर आपने क्या बोला, अर्थ इज नेगेटिवली चार्ज। अर्थ पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज है जो स्पेस से आता रहता है, तो उसकी वजह से अच्छा अर्थ के एटमॉस्फेयर में थोड़ा नेगेटिव चार्ज है, बट हम लोग उसको अभी फिलहाल न्यूट्रल ही मानेंगे, ठीक है ठीक सर। है। एनीवे, तो ये न्यूक्लियस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना पड़ेगा फॉर स्टेबिलिटी। रदरफोर्ड क्लेम्ड दैट मोस्ट ऑफ द मास इज इन अ वेरी स्मॉल रीजन नोन एज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बाहर क्या है? तो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स है, क्यों? पूरा मास तो आपने सेंटर पे डाल दिया न्यूक्लियस में, देन व्हाट इज लेफ्ट? इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास एंड दिस वाज नोन बाय देन। इफ यू रिमेंबर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने ई बाय एम निकाला था, ई निकाला था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था 1837 टाइम्स लेसर देन प्रोटॉन, ये हमने एस्टिमेट किया हुआ रखा हुआ था पहले से। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास कुछ खास नहीं होता। तो ही सेड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंटेन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंटेन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे होंगे, वहां पर रुकेंगे कैसे? यहाँ यहाँ पे आपने
बोला यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रुकेगा कैसे इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन रुका नहीं होता, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है लाइक प्लैनेट्स। तो एक टेक्निकल स्टेटमेंट चाहिए तो मैं दे देता हूँ आपको। सर्कुलर मोशन होने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है अवे फ्रॉम सेंटर, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है अंदर। तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस रहते हैं, इसके लिए ना इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। जी सर। यस सर। तो वो टेक्निकल वर्ड क्या है? An object moving in circular path experiences outward force known as centrifugal force। ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, व्हेन अ बस टेक्स अ लेफ्ट टर्न यू एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट। आप बस में या कार में बैठे हो, सडनली कोई लेफ्ट टर्न लेता है तो एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड तो इलेक्ट्रॉन भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रॉन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करता है राइट। एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन balances centrifugal force, वो centrifugal force को balance करता है, ठीक है? तो centrifugal force बाहर की तरफ लगता है और electric force अंदर की तरफ लगता है, तो net force समझ लो आप एक तरह से zero हो गया, तो ना ये अंदर जा रहा है ना ये बाहर आ रहा है। जबकि this is not correct explanation, correct explanation आपको तभी समझेगा जब ये आपको physics में circular motion में पढ़ा हुआ, right? तो अभी उतना time मतलब उतना आगे नहीं जा सकते हम लोग, जस्ट आपको केमिस्ट्री की बुक्स में यही एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा रहता है कि आप इससे एडजस्ट कर लो। तो फिर जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, देन यू आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई देयर इज अ स्टेबिलिटी इन दिस केस। सो इस चीज के बाद आपको दोनों का आंसर मिल गया होगा। आशु आई होप आपको उसका आंसर मिल गया कि ये सेंटर पे क्यों है। तो सेंटर में इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमना है, राइट? क्यों घूमना है? स्टेबिलिटी के लिए, नहीं तो वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। व्हाई? बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट? यस सर। आई होप सबको समझ में आया। आशु क्लियर हुआ? Okay. So this was model given by model of atom given by Rutherford or explained by Rutherford. So I hope इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। बहुत simple है वैसे, ठीक है, आज की डेट में तो ये failure ही है, ये तो पूरा flop हो चुका है model। तो exam point of view से important है। तो वो alpha scattering experiment था जिसके help से Rutherford ने ये कंक्लूजन्स निकाले। तो कंक्लूजन में क्या निकाला? कोर में सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स लगे रिवॉल्व करने बाहर, राइट? जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। साइज ऑफ एटम इज नियरली 1 लाख टाइम्स साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा है, 10^-15 मीटर का, और ये जो है उससे 1 लाख टाइम्स बड़ा है, 10^-10 मीटर का। ओके, आ रहा समझ में? ओके, नाउ आफ्टर दिस अगर आप बुक्स रीड करोगे तो बोर मॉडल ऑफ एटम स्टार्ट कराने के पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स वो लोग एक्सप्लेन करते हैं, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो मैं सिर्फ नाम लिखूंगा, आप बताते जाना आपको अगर नहीं मालूम।
So I'll explain again. So let me know if you don't know the meaning of this. Atomic number. जो मेन चैप्टर हमारा चल रहा है पहला वाला उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया. आई होप यू रिमेंबर एटॉमिक नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम. नंबर करेक्ट. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. मास नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन राइट. एलिमेंट का सिंबल था ऐसा एक्स यहां पर लिखते थे हम एटॉमिक नंबर. यहाँ पे लिखते हैं मास नंबर राइट. एक सिंबल में यहाँ पे दो चीजें और जगह छोड़ रखी हमने. ये आयनिक फॉर्म में जब होता तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज लिखते हैं हम लोग. यहाँ पे चार्ज लिखते हैं अगर होगा तो, नहीं है तो नहीं लिखते. और यहाँ पे एटॉमिसिटी लिखते थे राइट. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर में. सो मास नंबर एटॉमिक नंबर न्यूक्लियॉन. न्यूक्लियॉन का मतलब पता है टोटल न्यूक्लियॉन्स. Nuclear means proton and electron. Proton and neutron. Correct. So particles which are present in nucleus are known as nucleons. एक word होता है nucleon number. Nucleon number भी यही होता है जो mass number है. Right? Nucleon number. Not the same as this. Right? Then न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज न्यूट्रल. न्यूक्लियर चार्ज न्यूट्रल नहीं होता ना. न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव. टोटल चार्ज ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस. ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं. It is denoted by plus ZE. Z stands for atomic number and E is charge on one electron. Plus ZE is nuclear charge. Right? Then size of nucleus आप समझ गए. Size of atom word एक आपको समझ में आ गया. Then ion. Ion क्या होता है? What is an ion? Ion क्या होता है? Sir, ion charge होता है. Ion charge होता है बेटा. See, atom is neutral. Atom is neutral. Right? अगर मतलब उसके nucleus पे जो charge है, अगर plus Ze है, तो उस पे जो electrons घूम रहे हैं, उनमें minus Ze charge है, तो neutral. बट अगर आप इसके एक दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दो या एक दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो इस पे नहीं, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन्स आपने बाहर से ऐड कर दिए तो वो आयन बन जाता है. नेगेटिव आयन बन जाता है राइट. एन आयन बोलते हैं. एंड अगर आप इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में दिखेगा आपको, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन या कैट आयन बोलते हैं राइट. कैसे? जैसे एल्यूमिनियम है. एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? हेलो क्या बात है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर नहीं याद है. एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन एंड 14 न्यूट्रॉन ये कंपोजिशन होता है ठीक है. तो एल्यूमिनियम एज अ होल थिंग इज न्यूट्रल. बट अगर इसके मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दूं, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दूं, तो मैं उसको Al3+ बोलूंगा. तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर कर दिया. अब क्या बचा उसमें? 13 प्रोटॉन केवल 10 ही इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन, तो वो आयन बन गया. तो Al3+ इज व्हाट पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और कैटायन. हाउ इट इज फॉर्म्ड? बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स एटम. एल्यूमिनियम एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाए. एक क्लोरीन है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17. तो 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स. राइट.
तो 17 प्रोटॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स। बट अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा दे दो, आप इलेक्ट्रॉन को, इसको क्लोरीन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दो, सो दैट 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। सो व्हाट वी गेट इज नोन एज क्लोराइड आयन, राइट? तो Cl- माइनस और क्लोराइड आयन हो गया। इट इज नेगेटिवली चार्ज आयन, इट हैज एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, राइट? क्लोरीन एटम अगर आप बोलोगे तो इट्स न्यूट्रल, बिकॉज इट हैज 17 प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट। देन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दोगे तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन हो जाएगा, राइट? तो ये हो गया आयन। देन ये वर्ड्स भी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई है, आइसोटोप। आइसोटोप याद है क्या था? आइसोटोप होता है मतलब एक ऐसा वो बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। हाँ, डिफरेंट मास नंबर। बट तो आइसोमर में पहुंच गया था लगता है। आइसोटोप कंपाउंड नहीं होता, एलिमेंट ही होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, Cl 35 में 17 ही है, प्रोटॉन 17 है, न्यूट्रॉन 18 है, 17 Cl 37, इसमें 20 न्यूट्रॉन्स है। तो दीज आर आइसोटोप्स, राइट? आइसोबार, व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स आर सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, आइसोबार में सेम मास नंबर, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, राइट? आइसोबार था। देन आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होता है? आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और डिफरेंट एलिमेंट्स, different elements with same number of neutrons are known as isotones, right? Then isodiphers bhi ek word padha tha humne, isodipher. Isodipher kya tha? Same difference of proton and neutron, same difference in number of protons and neutron, number of protons and neutrons. Ek aur word hota isoelectronic. Isoelectronic kya hota? Same number of electron, same number of electron. So these are isoelectronics. So ये कुछ एक words आपको पढ़ने मिल जाएंगे textbook में, right? क्या क्या? Isotope, isobar, isotones, isodipher, isoelectronic, right? Now दो चार क्वेश्चंस भी बुक में दिए हुए हैं, वो आप कर लेना प्रैक्टिस, बहुत आसान सा होता है। मतलब देख के आपको मैं ये बता दिया, अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन फॉर्मल चार्ज क्या है उस पर, वो सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करना है, वो आप कर सकते हो आई एम श्योर। तो उसको छोड़ देता हूँ मैं आपको, सिर्फ हम लोग देखेंगे किसका, डेंसिटी ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। ये एक चीज मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। रदरफोर्ड मॉडल में व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एन एटम एंड डेंसिटी ऑफ एंड डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, ये दो चीजें मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। सो लेट मी एक्सप्लेन डेंसिटी, लेट मी कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ एटम। तो कोई भी एक एटम हम लोग बात करते हैं, लेट अस अज्यूम ऑक्सीजन का एक एटम ले लेते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन एटम ले लेता हूं। So, ऑक्सीजन के एक एटम का मास बोलो, ऑक्सीजन के एक एटम का मास बोलो, तो एक कार्बन का एटम ले लेता हूं जिसका परफेक्ट आपको मालूम है 12 होता है, ठीक है? कार्बन एटम, कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12। कार्बन एटम का मास इज 12 AMUs, दैट इज 12 into
27 kgs, ठीक है, ये मास हो गया। और रेडियस एज्यूम कर लेता हूं मैं, रेडियस लेट अस एज्यूम, वैसे तो हम लोग फॉर्मूले में देखेंगे, थोड़ा बहुत डिराइव करेंगे, बट फिलहाल मान लेता हूं मैं 10^-10 मीटर, लेट अस एज्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 πr³, 10^-30, कितना हो गया 12.56, ₹4 × 10^-30 ये वैल्यू इमेजिन करने जैसे लगती है आपको, क्यों ये तो इमेजिन करने जैसे लगना चाहिए। ओके, सो 5000 kg/m³ इमेजिन करने जैसा नहीं लगता आपको, इट इज, व्हाई, वाटर का डेंसिटी कितना है, 1000 है, तो 1000 उससे 5 गुना ज्यादा कर लो। वाटर का 1 मीटर मतलब इतना होता है, 1 मीटर, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, अगर वाटर का इतना बड़ा क्यूब आप बनाओगे, वाटर का इतना कितना भर के, तो इट इज 1000, तो उससे 5 गुना ज्यादा है। स्टील का कितना होता है, स्टील का इट्स नियरली 7800 kg/m³। मर्करी का कितना होता है, 13600 kg/m³। तो ये तो इमेजिन कर सकते हैं ना, अपन नहीं कर सकते, 5000 नहीं होता इमेजिन, 5000 का मतलब होता है, हाँ, तो 5000 का मतलब समझा था मैं, 10 cm/10 cm, 10 cm तो मालूम है ना, ये नियरली इतना, ये 10 cm, तो 5000 का मतलब है 10 cm/10 cm/10 cm, ये 10 cm/10 cm, इतने क्यूब का कितना हो गया 10^-3, 5 kg का हो गया, मतलब इतना, ये 7.5 × 10, इतना 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 बड़ा ब्लॉक जो है 5 kg का, तो ये ठीक है, कुछ खास बात नहीं है इसमें। अब चलते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस पे, अंदाजे से अब न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालते हैं, कार्बन के न्यूक्लियस की, कार्बन का न्यूक्लियस लेता हूं और उसकी डेंसिटी निकाल के देखते हैं। तो जो मास था वो किस पे था, वो पूरा का पूरा आपके न्यूक्लियस में ही तो है, तो कार्बन का न्यूक्लियस का मास भी इतना ही है, अज्यूम कर लो। रेडियस हो गया कम, रेडियस हो गया 10^-15, ज्यादा होता है इससे, बट लेट अस अज्यूम 10 है, इस हिसाब से आप चले जाओ तो ये 10^-45 हो गया, राइट, ये 10^-45 हो गया, तो यहाँ पे 10^-45 हो गया, 10^-45 हो गया, ये सब कट पिट करके 5000 जो था वो था ही, ये हो गया 10^18, 10^18 kg/m³। नाउ लेट्स ट्राई टू इमेजिन दिस नंबर, ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है, लेट्स ट्राई टू इमेजिन ये क्या कह रहा है। अगर आप 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर आपने देखा, have you seen 1 मिलीमीटर? Yes sir. 1 मिलीमीटर स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन था वो, तो वो 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर, इतना छोटा साइज का अगर न्यूक्लियस होता, अगर होता, तो उसका मास 5 बिलियन kgs, इतना आसपास होता। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा नंबर है ये, 5 बिलियन kg, अगर कहीं गलती से एक न्यूक्लियस उतना ही डेंसिटी के साथ कितना बड़ा होता, कितना 1 मिलीमीटर साइज का, 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर, तो इतना छोटा, इतना हैवी होता था। आई एम श्योर ये डेंसिटी आपके लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, तो इतने छोटे से पार्टिकल का मास इतना होता था। Now this is comparable to densities of black hole.
तो ब्लैक होल की डेंसिटी सब इसी के कंपैरिजन में आती है, नहीं आ रहा समझ में? तो आपको ये चीज मैंने क्यों पिक्चर दिखाया, इमेजिन कितना फ्री स्पेस है, अगर वो जो फ्री स्पेस भरा फ्री स्पेस भी वही अल्फा वही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जैसे हैवी वाले पार्टिकल से भरा होता था ना, तो डेंसिटी कहीं और होती, फिर तो मतलब चीज ही अलग होती, फिर ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती, लाइफ पॉसिबल नहीं होती, बहुत सारी चीजें कुछ कुछ होती है, राइट? सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज 10 रेज टू 15 टाइम्स मोर देन द डेंसिटी ऑफ एन एटम सर, राइट? सर वहां पे 3 के बगल में क्या लिखा है डेंसिटी के? सर डेंसिटी में लिखा है ना 3, सर नीचे नीचे लिखा ना डेंसिटी, वहां पे कैलकुलेशन। अरे ये 12, अरे वो तो खुद से कर ले यार, ये 12 अरे वो दिख ही नहीं रहा था मुझे, 12 को कट किया, 12/4, 12 × 1.66 × 10⁻³ मास हो गया, और वॉल्यूम अंदाजे से मैंने लिखा कोई कैलकुलेट ऐसा था, तो इसको कट किया था मैंने 3 टाइम्स, 1.66 का ट्रिपल 5 होता है, तो 5 × 10⁻¹⁸ ऐसा अंदाजे से लिख दिया, ठीक है, आगे समझ में? ओके, सो दिस कंक्लूड्स अवर रदरफोर्ड्स मॉडल, और कुछ कैलकुलेशंस होते हैं बट इट्स नॉट देयर इन अवर बुक, तो सिलेबस नहीं है, बोर्स मॉडल में उसको इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, सो वो हम लोग कैलकुलेशन बोर मॉडल के टाइम में देखेंगे, जैसे रेडियस का साइज, रेडियस का साइज इसने भी, रेडियस का साइज प्रिडिक्ट नहीं किया, रेडियस प्रिडिक्ट नहीं किया था उसने, बट कुछ फॉर्मूले दिए हुए थे रदरफोर्ड ने भी, बट वो सब हमारे सिलेबस में नहीं दिया, बुक्स में नहीं दिया, तो हटा देते हैं उसको, हम भी बोर मॉडल में सीधा पढ़ेंगे, ओके। नाउ नेचुरली देख के मॉडल अच्छा ही लग रहा है, राइट? जे.जे. थॉमसन का मॉडल वॉज अ फेलियर, ठीक है, समझ में आता है, रदरफोर्ड का मॉडल देख के अच्छा ही लग रहा है, प्लेनेटरी मॉडल जैसा ही है, जो चीज हम देख पा रहे हैं नेचर में उसी से रिलेट करके हमने जो चीज नहीं देख पा रहे उसको भी बता दिया, जो ऑब्जर्वेशंस थे वो ऑब्जर्वेशंस भी अच्छे ही जा रहे हैं, वो सारे ऑब्जर्वेशंस जो थे वो एक्सप्लेन हो रहे हैं, बट